एसलीपीएस परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष 2022 में आज हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2021 में हम लोगों ने वो करके दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक माइलस्टोन हम सब ने अचीव किया। मेरे सभी शुभचिंतक, सभी मेरे साथी और मेरा प्यारा सा एसलीपीएस परिवार, मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा से दुआ करता हूं कि इस साल हम और माइलस्टोन अचीव करें और ऊंचाइयों को छुएं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और एसलीपीएस परिवार का हर एक फाइटर जीवन के सारे सपने 2022 में पूरे करें। दोस्तों, साल बदलते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है। वैसे तो हर एक साल जो जाता है वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं समय ही सब कुछ है, टाइम इज मनी। आज हम कितना भी कुछ दे दें लेकिन 2021 वापस नहीं आ सकता, तो हमें उसी जुनून, उसी जज्बात, उसी जज्बे के साथ फिर दोबारा काम करना है। 2022 में जो हम 21 में नहीं कर पाए, जो हमसे छूट गया, वो हमें 2022 में किसी भी कीमत पर हासिल करना है। आज मेरा लाइव आने का उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार से बात कर सकूं, अपने एसलीपीएस फाइटर के साथ नए साल का उत्सव मना सकूं। हम लोग दूर हैं लेकिन फिर भी बहुत पास हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के दिल में हैं। नया साल 2022 मुझे ऐसा लगता है कि एसलीपीएस परिवार का एक बहुत बड़ा इतिहास होगा। एसलीपीएस परिवार के फाइटर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखेंगे 2022 में, क्योंकि 2021 का जो आखिरी दिन था, उस दिन आप लोगों ने वो करके दिखा दिया कि अनएक्सेप्टेबल। मैं निःशब्द हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग 2021 जाते जाते मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दोगे, इतना प्यार दोगे, इतने समर्पण से काम करोगे, इतने जुनून से कोडलिया टारगेट को जीतोगे। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उम्मीद की थी, मुझे लगता था एसलीपीएस के फाइटर बहुत अच्छी क्लोजिंग करेंगे, सुपर डुपर करेंगे, पर आपने तो बम्पर, सुपर डुपर, क्या शब्द मैं आपको कहूं, जो कमाल आप लोगों ने करके दिखाया है, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, हाथ जोड़ के अभिवादन कर सकता हूं आपका। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने वो माइलस्टोन 31 तारीख की रात तक हासिल किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और मुझे पता है कि हमारे फाइटर कल 31 तारीख का एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन मैंने क्या कहा, जब हमारे पास खुशियां हैं, हमारे पास अचीवमेंट है, तो हर दिन नया साल है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, और आप लोगों ने वो करके दिखा दिया। मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग इतना सुपर डुपर काम करोगे। रियली मैं दिल से कह रहा हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सीलेंट, सुपर डुपर कोडली अचीवर्स। जो हमने कहा था, जो जैसलमेर में हमने बात करी थी कि हमारा क्रूज होगा, हमारे लोग होंगे, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, थोड़ा सा डरा हुआ था, मुझे लग रहा है यार शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दो दिन पहले तक ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि 1800 लोग क्रूज में जाते और पूरे 1800 लोग हो जाएंगे। तो सबसे पहले सभी क्रूज अचीवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल क्रूज अचीवर्स। एसलीपीएस के 1800 फाइटर, लगभग 2-4-5 कम है, वो भी शायद आ जाएंगे, 1795 का डाटा मेरे पास है जिन्होंने कोडलिया क्रूज अचीव किया और क्रूज की कैपेसिटी 1800 लोगों की है। बस अब तो परमात्मा से ये प्रे करेंगे कि ये भगवान, ये ओमिक्रोन कोरोना, ये ज्यादा ना आए और हमारा क्रूज मुंबई से गोवा के लिए जरूर 15 तारीख को चले। दोस्तों रियली ऐसी क्लोजिंग, ऐसी अचीवमेंट, ऐसा टारगेट विन मैंने मेरे जिंदगी के 15 साल में नहीं देखा। आप क्या हो, मैं क्या बयां करूं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, आप जो भी हो, जितने भी फाइटर्स हो, रियली आप एसलीपीएस को दिल से प्यार करते हो, रियली आपने एसलीपीएस के प्रति वो समर्पण,
वो प्यार दिखाया है कि मैं कह सकता हूं कि आपने इसे कंपनी नहीं मंदिर माना है, और ये कल रात 31 तारीख जाते जाते आपने प्रूफ कर दिया, और आज 1 तारीख जैसे है ये 2022 सभी फाइटर्स के अकाउंट में दबा के चेक पे चेक, चेक पे चेक गए होंगे। कितने शुभ दिन थे ये दोनों। 31 तारीख जाते जाते हिंदुस्तान की नंबर वन क्लोजिंग, नंबर वन अचीवमेंट, कोडियलिया क्रूज फुल पैक, और 1 तारीख आते आते कितने अकाउंटों में 35,000 लोगों के चेक बने दोस्तों, 35,000 से 40,000 लोगों के उनके अकाउंट में। आज लक्ष्मी माँ सुबह सुबह उनके बैंक अकाउंट में प्रवेश कर गई है। तो दोस्तों अंत भी सुपर था और शुरुआत भी सुपर डुपर है। अब ये शुरुआत बस ऐसे ही रखनी है, ये कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आप सबको ये महसूस करना है कि जब आप आखिरी के 2 दिन में ये कमाल कर सकते हो, तो अगर 365 दिन आप ऐसी मेहनत कर लो तो आप क्या कर सकते हो। हिस्ट्री लिखी गई है, इतिहास बना है, और ऐसा इतिहास, ऐसी हिस्ट्री, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड, और अगर इसे तोड़ेंगे तो भी एसलीपीएस के फाइटर तोड़ेंगे, और कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। और दोस्तों इसके साथ शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये कह सकता हूं कि रियली आप हो, आप जैसा कोई नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं मेरे पूरा जीवन आप लोगों के, मैं कह रहा हूं, चरणों में समर्पित है। ये आशीर्वाद, ये प्यार आप लोग ऐसे बना के रखना, हम सब मिलके, हमारा सारा परिवार मिलके ये दुनिया जीत लेगा। इस पूरी दुनिया के अंदर एक दिन हम AWPL का झंडा लहराएंगे। और दोस्तों एक और गुड न्यूज है, कैपिंग अचीवर। आज अगर इंडस्ट्री का भी कोई व्यक्ति सुने तो यार अब तो विश्वास कर लेना, कैपिंग अचीवर कितने होते हैं किस कंपनी में वो आप सबको पता है। हमारे यहाँ कल 100 and above कैपिंग अचीवर्स निकले हैं दोस्तों, 100 and above लोगों की कैपिंग लगी है। और जितने भी लोगों की कैपिंग लगी है उन सभी कैपिंग अचीवर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। बस एक बात याद रखना कि अगर ये 1.5 लाख का चेक एक बार आ सकता है तो ये बार बार भी आ सकता है। और एक और गुड न्यूज देता हूं, कंपनी की हाईएस्ट कैपिंग जो मैंने कहा था 6 लाख रुपए हफ्ता वाली प्लस 1.5 लाख, वो 7.5 लाख का चेक भी बन गया है कंपनी में। वो कैपिंग भी आपकी कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सिंह जी अचीव कर चुके हैं, और शिव कुमार जी भी बस थोड़ा सा ही चुके हैं, बस 8-10 हजार से तकरीबन वो भी अचीव कर चुके हैं। और मैं रामवीर सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा 2022 की। आप सब लोगों की हिम्मत और मेहनत का कमाल है कि आप लोगों ने ये करके दिखाया। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना क्रूज बुक करूंगा, और आपने वादा किया था सर आप बुक कर लो, लोग हम अचीव कराएंगे, वो आपने करके दिखाया। और हमारे क्राउन डायमंड नसीब खान जी, कुणाल जाधव जी, दलीप जी, अनुज शर्मा जी, अमित दुबे जी, मदन लाल जी, रॉयल डायमंड, और जितने भी रॉयल डायमंड, मैं सबका नाम ना ले पाऊँ तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि छोटा सा ही हमारा सेशन है ये। और सभी ब्लैक डायमंड, सभी ब्लू डायमंड, सभी डायमंड, सभी स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार, टोपास, एमराल्ड, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और SLPS में कल जो परिवार आए हैं लाखों की तादाद में, जो लोकल जुड़े हैं, उन सबको नए वर्ष की फिर एक बार शुभकामनाएं, और इस अचीवमेंट के लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मन बड़ा खुश है, बड़ा प्रफुल्लित है। आज नए साल के पहले दिन शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खुशी महसूस नहीं की, या मैंने 31 तारीख की रात अपने 15 साल के जीवन में इतना मैं कभी खुश और एंजॉयमेंट नहीं किया जो आप लोगों ने कल करके दिखा दिया। तो बस एक ही बात कहूंगा, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये जुनून, ये पागलपन, इसको खत्म मत होने देना, बना के रखना, पूरी साल बना के रखना है। 2022 में SLPS वेलनेस वो करके दिखाएगी जो आज तक नहीं हुआ, और वो सब आपकी वजह से होगा, वो कारण आप होगे, हिम्मत आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी, बस मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और दोस्तों एक और गुड न्यूज है,
CNDF हमारे आप सबको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे CNDF आप लोगों ने बहुत काम किया है, रात रात भर आपने ग्रीनिंग की है, क्लोजिंग की है। और एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि हमारे CNDF को भी हमने थाईलैंड का टारगेट दिया था, वो भी 100 and above CNDF हमारे अचीव कर चुके। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और भी जितने CNDF हैं हमारे 500 के आसपास, उन सबको भी मेरी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, ये प्यार, ये मोहब्बत ऐसे बना के रखना। एक दिन हर CNDF इतनी अचीवमेंट करेगा, इतनी इनकम लेगा, जो शायद बाजार में, रिटेल मार्केट में कोई एक आम इंसान नहीं ले सकता इतनी इन्वेस्टमेंट करके, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों एक और गुड न्यूज है, क्योंकि नया साल है तो आज तो सारी गुड न्यूज ही आने वाली है। हमने एक प्रोडक्ट लाए थे राइस ब्रेन ऑयल। तो जब मैं राइस ब्रेन ऑयल लाया था तो मुझे कई लीडर्स ने कहा, सर ये बहुत अच्छा है और ये ही वो ऑयल है जिससे हमारे हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है, और उल्टे सीधे बाजार के तेल हम खाते हैं। लेकिन लोगों ने उतना परचेज नहीं किया। तो मैंने क्वेश्चन किया लीडरों से, आपको मालूम है कि मैं अपनी कंपनी अपने लोगों के साथ बात करके चलाता हूँ, अपने परिवार से बात करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे कोई भी सजेशन आता है तो मैं 100% वो सजेशन सबके हित में ज़रूर लेता हूँ। तो सजेशन आया कि सर ये 227 रुपये का नहीं, इसको आप 196 रुपये में करो, प्रॉफिट हो ना हो थोड़े से SP कम कर दो, लेकिन राइस ब्रेन ऑयल घर घर जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, डन। तो अगले ये जो सोमवार आने वाला है, इस सोमवार से आप सबको राइस ब्रेन ऑयल मात्र 196 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो पर ये कहूँगा, ये वो राइस ब्रेन ऑयल है जो हर घर में आपको एंट्री दे सकता है। एक बार आप किसी के घर में घुस गए, पूरी जिंदगी ये तेल और घी दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जिसे एक बार जवान पर लगी वो छोड़ नहीं सकता। तो आप सब लोग ये राइस ब्रेन ऑयल अब ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को दें। उसके बाद प्रोडक्ट का आपको बताइए कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किए हैं उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या धमाकेदार रिव्यू आ रहे हैं। मैंने अभी मेकअप मंत्रा हम लोगों ने लॉन्च किया है, SLPS परिवार ने मेकअप मंत्रा की बहुत अच्छी परचेज हुई है। आप लोग जरूर यूज करना और आप जरूर कमेंट करना, अपने संजीव सर को बताना कि कैसे हैं मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट, क्या रिजल्ट है उनके, कैसे लगे आपको। और अगर किसी में कोई कमी होगी तो कमेंट करना, मैं उसको वापस कर दूंगा, दोबारा बना दूंगा। लेकिन बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों, और ये प्रोडक्ट आज के बाद आपको घर घर में एंट्री देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट सबकी नीड के प्रोडक्ट है, डेली नीड के प्रोडक्ट है। और लोगों के लिए स्किन एक बहुत बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और दोस्तों जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था मेकअप मंत्रा में कि हमने खेती के प्रोडक्ट लॉन्च किए, बहुत समय लिया मैंने, 6-7 साल लिए। आप लोगों ने बहुत मुझे कहा सर लेके आओ लेके आओ, लेकिन मैं नहीं लेके आ पाया। क्या करता, मजबूरी थी, नहीं बना पा रहा था, नहीं दे पा रहा था रिजल्ट। आज जब भूविटा के एग्रो PGPR के वैदिक इको हरियाली के रिजल्ट आ रहे हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित है, मन बड़ा खुश है, क्योंकि वो रिजल्ट हमारे देश का किसान खेत में जा रहा है, वीडियो बना रहा है, जहाँ पर भूविटा डाला वो फसल दिखा रहा है और जहाँ नहीं डाला वो फसल दिखा रहा है। दोनों फसलों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। यही मैंने आप लोगों से कहा था, वादा किया था कि खेती के प्रोडक्ट या तो आएंगे नहीं पूरी जिंदगी, जब आएंगे तो दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं भारत देश के किसानों को लाके दूंगा, क्योंकि किसान हमारी जान है, किसान हमारी शान है, और किसान ही है वो जिससे देश चलता है। तो मेरे सभी किसान भाइयों से विनती है कि दोस्तों किसान भाइयों, एक बार SLPS के प्रोडक्ट अपने खेतों में जरूर यूज करना, अच्छे ना लगे तो जिंदगी में कभी मत लेना, मुझे कमेंट कर देना अगर रिजल्ट ना आए तो। लेकिन हमारे देश की मट्टी इन प्रोडक्टों से बहुत उपजाऊ हो जाएगी, पेस्टिसाइड यूरिया से कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को निजात मिलेगी। और उन प्रोडक्टों पर लिखा ही है कि कैसे आपको यूज करना है। अच्छा, जब पहला वीडियो आया था तो मुझे तो डाउट हो गया था, सॉरी गुजरात से आया था, मैंने सोचा यार ये ऐसे ये नेटवर्कर है, इन्होंने बना दिया होगा। तो मैंने फिर सारे लीडरों को फोन किया, भैया इसकी जांच पड़ताल करो क्या वाकई में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो पता चला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आठ नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, हजारों रिजल्ट आ चुके। तब मुझे विश्वास हुआ हाँ लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जब ऐसे रिव्यू आते हैं तो थोड़ा नेटवर्कर के माइंड से सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं कोई झूठे वीडियो तो नहीं बना रहा। और दोस्तों SLPS वेलनेस,
सच पे चली है, सच के साथ खड़ी हुई है, सच के साथ आई थी। 2014 में भी बोला था, ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ, सच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ हम लोग काम करके दिखाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है, हम सब ने मिलकर इसको प्रूव भी किया है। दोस्तों, ये नियत, ये सच्चाई, ये ईमानदारी ऐसे ही बना के रखना। जीवन में कुछ भी हो जाए, सच का साथ मत छोड़ना। दौलत आएगी, दौलत जाएगी। जन्म एक ही मिला है, जीवन एक ही मिला है। जो इस जीवन में करेंगे, वही पूरी दुनिया, पूरा समाज याद करेगा। और मैं असली प्रेस के हर डायरेक्ट सेलर से विनती करता हूँ, प्लीज मार्केट में कभी झूठ मत बोलना, झूठ बोल के कोई काम मत करना। अगर कोई प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको लगता है, तो आप आइए मेरे पास, बताइए मुझे, मैं प्रोडक्ट चेंज करूंगा, मैं प्रोडक्ट को बदली करूंगा। लेकिन कभी भी झूठ मत बोलना, सच बोलना, हमेशा ईमानदारी के साथ चलना, नेक नियत के साथ चलना। नेक नियत, सच्चे और ईमानदार लोगों की इस दुनिया में कदर होती है। देर से ही सही, लेकिन वो एक्सेप्ट होते हैं। और भी जितने प्रोडक्ट आए हैं शोर 30, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं कहूँगा वो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, शायद हम सबको हर तरह की परेशानी से बचाएं। तो इसको भी, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और एक गुड न्यूज़, आज भी मैं आपके लिए, मैं कहीं बाहर हूँ, नए साल पे आया था, तो वहीं से ही आपके बीच लाइव आया हूँ। पर नए साल पे भी आज एक छोटी सी एक लॉन्चिंग दो प्रोडक्टों की मैं आपके लिए करूँगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट आने बंद नहीं होंगे, लेकिन जो भी आएगा बेस्ट आएगा, एक्सीलेंट आएगा, सुपर डुपर आएगा। तो आज लोगों की भारी डिमांड पर मैं ये प्रोडक्ट लाया हूँ, टू साइन विंटर लिक्विड वॉश। विंटर के कपड़े धोने के लिए, हमारे ऊनी और गर्म कपड़े धोने के लिए ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। ये प्रोडक्ट एक या दो दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता एसलीपीएस परिवार का कोई भी व्यक्ति बाजार के किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो उसी रेट में मिल रहा है तो यूज़ करे। मैं कहूँगा आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें, अपनी कंपनी के प्रोडक्टों को प्यार करें, अपनी कंपनी के प्रोडक्टों पर भरोसा करें, यकीन करें, विश्वास करें। क्योंकि मुझे तो एक भी प्रोडक्ट जो मैंने बनाया रिव्यू लिए, तो लोगों ने मुझे तो यही कहा कि सर हमारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद एक प्रोडक्ट और जिसका हमें सबको इंतजार था, गोट मिल्क बार। गोट मिल्क, बकरी के दूध, इस साबुन के अंदर एक ऐसी साबुन जो हर व्यक्ति लगाना चाहता है, लेकिन बनाने में मुझे सॉरी बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब बना के ले आया हूँ गोट मिल्क बार। ये भी 2 या 3 दिन में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, इसको भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, मैं कितना भी बोल लूँ, एसलीपीएस के फाइटरों को बेचना थंडर ब्लास्ट ही है, एसलीपीएस के फाइटरों को बेचना इम्यूनोडॉक ही है। चाहे मैं दुनिया के टॉप से टॉप प्रोडक्ट ला दूँ, लेकिन एसलीपीएस के थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक से लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सीलेंट है, तो प्यार भी क्यों ना करें। लेकिन हमें अपने हर प्रोडक्ट पर ध्यान रखना है, हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है, एजुकेशन को फॉलो करना है, डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को फॉलो करना है, वैल्यूज़ को फॉलो करना है और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। और हमें नेटवर्क नहीं बनाना, रिलेशन बनाने हैं, प्यार कमाना है। हमें पैसे नहीं कमाने, हमें बंदे कमाने हैं। कोई व्यक्ति एसलीपीएस परिवार के किसी फाइटर पर उंगली ना उठा सके। और आज एक बात और मैं कहना चाहूँगा आम समाज से, अगर मेरे किसी भी एसलीपीएस फाइटर ने कोई गलती करी हो, आपका दिल दुखाया हो 2021 में, तो 2022 की 1 तारीख को मैं अपने सभी फाइटर्स की तरफ से, या मैंने कुछ गलत किया हो, सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। सब लोग बच्चे हैं, सब लोग लर्नर हैं, सब लोग सीख रहे हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। गलतियाँ सबसे होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमें उन्हें करेक्ट कर करके परफेक्शन की तरफ बढ़ना है, उन गलतियों को सुधार करके आगे की तरफ बढ़ना है। तो एसलीपीएस परिवार, अगर, और मैं एडमिन ऑफिस उनको भी कहूँगा, भाई आप लोगों ने भी कल कमाल कर दिया। दुनिया नया साल बना रही थी, पर एसलीपीएस के फाइटर और ऑफिस रात के 12 बजे तक काम कर रहे थे। तो हमारा जो एडमिन ऑफिस है, और जो हमारे फैक्ट्री का स्टाफ है, और जो हमारे फैक्ट्री का मैनेजमेंट है, उसको भी मेरी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और आप लोगों ने 2021 में बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतर, बहुत एक्सीलेंट काम किया है। फैक्ट्री वालों, आपको भी मेरा सल्यूट है, सलाम है।
क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं टूटने दी, रिकॉर्ड बनाया दो साल, जैसे कोविड कोरोना काल में भी आप लोगों ने प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं टूटने दी, प्रोडक्ट कम नहीं पड़ने दिए। फैक्ट्री मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। इसी तरह ये एक परिवार है दोस्तों, एक टीम है। अकेला आदमी दुनिया नहीं जीत सकता, सारी टीम मिलकर दुनिया जीतती है। और अभी और भी फैक्ट्रियां लग रही हैं, और मसाले की फैक्ट्री भी अभी आपको मैं बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में गिफ्ट करूंगा। और दोस्तों SLPS का बहुत बड़ा वर्ल्ड जयपुर में तैयार हो रहा है, ये सब आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी मोहब्बत है। सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों जिंदगी में सिवा आपकी सफलता के, और कुछ दिमाग में नहीं चलता, कुछ दिल में नहीं चलता। इस इंडस्ट्री बची रहनी चाहिए, इंडस्ट्री खूबसूरत होनी चाहिए, कंपनियां जो काम कर रही हैं वो सब अच्छी तरह चलनी चाहिए, और जिन भी कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब अचीवमेंट पाने चाहिए। इस इंडस्ट्री का सम्मान होना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए, लोगों के प्रति इसका प्यार बढ़ना चाहिए, इसकी इमेज सुधरनी चाहिए। SLPS परिवार ने बहुत कोशिश की है और पूरे जीवन निरंतर हम लोग कोशिश करते रहेंगे। तो नए प्रोडक्ट भी आज दो, क्योंकि पहला दिन है तो कुछ ना कुछ तो लॉन्च करना ही था, तो दो प्रोडक्ट भी आज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, इनको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब मुझे पता है आप सब लाइव बैठे हो, आपको इंतजार है नया टारगेट क्या आएगा, कैसा होगा, कितने दिन का होगा, कहाँ जाएंगे, आएगा या नहीं आएगा। अब इतने सारे टारगेट कर लिए तो क्या बार बार टारगेट आना जरूरी है? आप लिख दोगे कमेंट में, हाँ सर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टारगेट के आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं आती, एनर्जी नहीं आती। टारगेट कोई भी हो, बस टारगेट चाहिए। हाँ टारगेट चाहिए, छोटे छोटे टारगेट बीट करके ही इंसान को बड़े टारगेट बीट करने का भरोसा आता है, यकीन आता है, हिम्मत आती है। छोटी सी मंजिल पार करके ही बड़ी मंजिल जीतने का उसके अंदर जज्बा आता है। ये आप लोग टारगेट नहीं जीतते, ये आप लोग प्रूव करते हो कि मेरे अंदर एनर्जी थी, पावर्स थी, ताकत थी, पर मुझे किसी ने लक्ष्य नहीं बताया कि मुझे करना क्या है। आज मेरे सामने लक्ष्य है, मैंने बीट कर दिया। चाहे वो टारगेट सिर्फ ये 3 महीने का नहीं होता, टारगेट ब्रॉन्ज बनना भी है, टारगेट सिल्वर बनना भी है, टारगेट प्लेटिनियम बनना भी है, एमराल्ड बनना भी है, रूबी स्टार बनना भी है, सफायर बनना भी है, ये सब टारगेट है। वो चेक 2500 का जो आता है ना ब्रॉन्ज रैंक का, वो 2500 का चेक नहीं होता, वो एक भरोसा, एक यकीन, एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी दुनिया जीत सकता हूं। वो हमारी सोई हुई आत्मा, सोई हुई एनर्जी, सोई हुई पावर है, जगाता है। चेक छोटा होता है लेकिन हमें जज्बा बढ़ा देता है। तो टारगेट 3-3 महीने वाले हों, चाहे हमारे रैंक के टारगेट हों, ये है टारगेट, और इनको अचीव करने के बाद आप में जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो अपरंपार होगा, परे होगा, और आपको एक अंदर से एहसास होगा कि यार मौका नहीं मिला था जिंदगी में, अब मिला तो करके दिखा दिया, और आगे भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। और टारगेट तो हमारा क्या है, ब्रांड एम्बेसडर मेन टारगेट, पर मैं कहता हूं वो कब होगा, जब छोटे छोटे टारगेट पूरा करेंगे। चलो फिर एक नया टारगेट, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नए जज्बे, एक नए जुनून, एक नए समर्पण के साथ 3 तारीख 2022 का पहला सोमवार, बाबा महाकाल का पहला दिन, 3 तारीख से 31 मार्च 2022 तक गोवा टारगेट आ जाएगा। अब गोवा, क्योंकि गोवा इतनी खूबसूरत जगह है, मैं भी हर साल में 2-3 बार आता हूं, और मुझे लगता है दुनिया के हर व्यक्ति को गोवा साल में 2 बार तो आना ही आना, और 1 बार तो निश्चित आना है। इसलिए हमारी कंपनी गोवा टारगेट हमेशा साल में 1 बार देती है, क्योंकि जो हम लोग गोवा में एंजॉय करते हैं, जो थकान मिटती है, जो टेंशन मिटती है, जो एकदम फ्रेशनेस आती है, वो तो दुनिया में और किसी टारगेट से नहीं आ सकती। तो गोवा टारगेट ऑन फ्रॉम 3 जनवरी 2022 प्लस करेंगे 2, 2, 4 और 2, 6, मतलब इस साल अचीवमेंट के सिक्सर ही लगाने, बॉल सीधी बाउंड्री से पार करनी है, चौके वोके में नहीं रहना, क्योंकि नंबर है 2, 2, 2 प्लस 6 2022। तो गोवा टारगेट 3 जनवरी से 31 मार्च तक आ जाएगा, और क्या करना है, सिक्सर, सिक्सर मतलब सिक्सर 6000, इस बार गोवा अचीवर 6000, इस बार 6000 पार। और कंपनी की टॉप लीडरशिप, आपने क्रूज करके दिखाया,
आप ये 6000 लोगों का गोवा टारगेट भी कराना है। पेयर, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, 31 तारीख की रात को इतनी खुशियां दे दी, तो पेयर पहले वाले कैसे हो सकते हैं? कम होंगे और कम होंगे। फ्रेशर ओनली 12 पेयर, सिल्वर ब्रॉन्ज ओनली 14 पेयर, ओनली 12 पेयर, क्योंकि टारगेट ज्यादातर फ्रेशर ही करते हैं, उसके बाद के लीडर तो अपने आप ही कर जाते हैं। 12 पेयर ओनली 1200 SP, 1200 SP का टारगेट है दोस्तों, और ये टारगेट हम लोगों को इसी जज्बे से बीट करना है जिस जज्बे से हमने कोटलिया बीट किया है। इस बार 6000 पार, गोवा के अंदर हर जगह हर होटल में AWPL का हाहाकार। इस बार करेंगे हम चमत्कार, दुनिया करेगी AWPL को 31 मार्च को नमस्कार। और ये आप लोग करके दिखाओगे, ये मुझे 100% आप लोगों पे यकीन है, भरोसा नहीं यकीन। और थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, फॉर दिस क्रेडिबिलिटी, फॉर दिस ऑनेस्टी, ये प्यार, ये मोहब्बत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भरोसा करते हो दोस्तों आप लोग, बहुत प्यार करते हो, और इस प्यार के लिए दिन रात हम लोग काम करने को आपके लिए तैयार है। दिन रात ना सोएंगे ना खाएंगे, भूखे रहे, कुछ भी करें, पर आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। जो आप सोचते हो उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। आपकी उम्मीदों पे ये SLPS मैनेजमेंट हमेशा खरा उतरेगा, और सभी मैनेजमेंट, SLPS का मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी, हमारे दूसरे डायरेक्टर मिस्टर अमित पुरी जी, आप सबकी मेहनत भी लाजवाब रही। आप सबने भी बहुत अच्छा ऑफिस संभाला, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छी सप्लाई प्रोडक्ट वगैरह की देखी, और सारे सब कुछ आपने अच्छा किया। आप सबको भी बहुत 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 धन्यवाद। और अनिल पुरी जी, कंपनी के टॉप लीडर, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की, आपने भी बहुत समर्पण के साथ, बहुत हिम्मत के साथ काम किया लोगों के साथ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ट्रिप टूर आ गया है। अब जाते जाते जो इस साल की सबसे बड़ी खुशी थी वो क्या थी? डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स। भारत सरकार को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारी सुनी, आपने हमारी मिन्नत सुनी, आपने इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझा, आपने इस इंडस्ट्री की पावर को समझा, आपने समझा कि भारत देश की बेरोजगारी दूर करने में इंडस्ट्री बहुत बड़ा सहयोग करेगी। आज मैं और मेरा SLPS परिवार भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है, तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आप ने हमारी इंडस्ट्री को लीगल कर दिया, लीगलाइज कर दिया, आपने हमें रूल्स दे दिए, हमें जो लोग कुछ समझते नहीं थे, जो हमारी पहचान नहीं थी, वो पहचान आज भारत सरकार आपने कराई, आपने हमें वो सम्मान दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी भारत सरकार को AWPL परिवार की तरफ से। और हाँ, रूल्स के अंदर अगर कोई चीज़ ऐसा आपको लग रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, होता है, कोई भी रूल्स आता है, जब सरकार रूल्स बनाती है तो सारी चीज़ें परफेक्शन में नहीं आती, कुछ चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, कुछ ऐड भी हो सकती है, कुछ माइनस हो सकती है, कुछ प्लस हो सकती हैं, तो क्लेरिफिकेशन वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आपको जल्दी ही दे देगी। तो ये जितने भी कोई वीडियो बने हैं, उल्टी सीधी बातें किसी ने की हैं, वो सब लोग बकवास कर रहे हैं, किसी की दिमाग बातों पे नहीं जाना, क्योंकि वो आधी अधूरी नॉलेज लेके घूम रहे हैं। मैं पूरी इंडस्ट्री में ये कमिट करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री, भारत देश की हर कंपनी के हर डायरेक्ट सेलर से, कि रूल्स आपके फेवर में ही आए हैं, रूल्स आपके फेवर में ही आएंगे, और जो क्लेरिफिकेशन है वो सरकार दे देगी। सरकार के लोगों को मैं धन्यवाद करना है, उन्हें थैंक्स बोलना है, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर कोई लाइन एक दो मिस हो जाती है, एक दो लाइन नहीं आती, तो वो जुड़ जाती है, जुड़ जाएगी। एंड आई कमिटेड टू ऑल इंडस्ट्री, इट विल बी इन 3, 4, 5, 8, 9, 10 days, जो चीज़ आपको लगता है मिस हो गई है, वो सारी चीज़ें प्लस होके आ जाएंगी। आज इंडस्ट्री को जश्न मनाने का दिन है, आज इंडस्ट्री को संगठित होने का दिन है, सबको एक होने का दिन है, एक अच्छी इथिकल वैल्यूएबल डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का समय है। और जो भी लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, उन सबका वेलकम है इस इंडस्ट्री में। लेकिन जो अनइथिकल लोग हैं, नॉन इथिकल लोग हैं, इन्वेस्टमेंट है, सावधान, तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है अब।
क्योंकि अब भारत सरकार ने इथिकल कंपनियों के लिए रूल्स बनाए हैं और इन्वेस्टमेंट प्लान को 100% बैन किया है। तो आप सब लोग सुधर जाएं, संभल जाएं और जो प्रोडक्ट की आड़ में गलत काम कर रहे हैं भैया, आप लोग भी अच्छा काम कर लो, अपने आप को करेक्ट कर लो, सुधार लो। मार्केट में कंपनियां रहनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक ही कंपनी राज नहीं करेगी, सभी कंपनियां काम करें, सभी कंपनियों के लीडर्स अचीवमेंट करें, सभी डायरेक्ट सेलर अपने कैरियर फ्यूचर बनाए, वो चाहे किसी भी कंपनी के हों, लेकिन एक अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण करो। सरकार ने जब आपको इतना प्रेफरेंस दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, आपके लिए रूल्स लेके आई है, तो सरकार के रूल्स का रिगार्ड हमें भी करना है, एज ए कंपनी भी, एज ए डायरेक्ट सेलर भी। दोस्तों, सरकार ने हमें ड्यूटियां दी हैं, ये कंपनी को ड्यूटीज दी है कि आपको ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर को ड्यूटी दी है कि आपको ऐसे काम करना है। तो आज तक आप सबने जैसे भी काम किया हो रहा था, लेकिन अभी आने वाले समय में मैं एक मीटिंग लूंगा, या तो लाइव आना पड़े अगर कोविड या ओमिक्रॉन की सिचुएशन रही, या मैं टोपाज एंड अबव अपनी कंपनी के सभी डायरेक्ट सेलर या अमराल्ड एंड अबव का एक जूम सेशन लूंगा, जिसमें उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के रूल से रूबरू कराऊंगा, कंपनी को क्या करना है और डायरेक्ट सेलर की ड्यूटीज क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों, अभी एक इमेज बिल्डिंग बिजनेस हो गया, अब एक ब्रांड होगी डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग की एक जगह बनी है भारत देश में, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जगह है, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग की जगह है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर पढ़ लेना, रूल्स वगैरह में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ सकते हो, अपनी ड्यूटीज का निर्वाह जरूर करना। गवर्नमेंट ने जो लिख के दिया है, कस्टमर हमारा किंग है, कस्टमर हमारा भगवान है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सब कुछ है। अपने कस्टमर के साथ हमें ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करना है। नो बल्क सेलिंग, कोई बल्क परचेज नहीं करानी, कोई मिस कमिटमेंट नहीं करना, आई कार्ड हमेशा अपने पास रखना है, ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल है। विदाउट आई कार्ड बाजार में बिल्कुल नहीं जाना, प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेनी है, एक अच्छे प्रोफेशनल वे से काम करना है। 25 साल जो जैसे गए चले गए, लेकिन आज आप रूल्स के साथ हो, यू आर द प्रोफेशनल। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये जितने भी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। तो जैसे प्रोफेशनलिज्म होता है, वो आपको अपनाना है। आपको भी एक घर से निकलते समय एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके निकलना है, एक फीलिंग लेके निकलना है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलर हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं, उनका निर्वाह आपको करना है। और थैंक्स टू ऑल एसोसिएशन कि ये रूल्स लाने में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, IDSA हो, FDSA हो और ADSEI हो, ADSEI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, और उनके सेक्रेटरी हेम पांडे जी जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे हुए कंज्यूमर अफेयर्स में, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनाने में बहुत बड़ा सहयोग और योगदान किया, इसकी वजह से ये रूल्स बन पाए। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेम पांडे जी आज ADSEI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये रूल्स को लाने में बहुत सुपर डुपर मदद की है। मैं तो कहता हूँ 80% क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। तो इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, ADSEI के पेज को, फेसबुक पेज को, इंस्टा को, ट्विटर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलो करें। आपको इंडस्ट्री के बारे में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि अब इंडस्ट्री भारत सरकार की गाइडलाइन से चलेगी, तो आपको काफी नॉलेज से आप अपग्रेड रहेंगे। तो ADSEI के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। और नया साल, मुझे पता है कल रात आप नहीं बना पाए होंगे, आज जश्न बनाएं, जम के बनाएं, और कोडलिया में वो जो 2 दिन होंगे ना हमारे, वो समझना हम नया साल एंजॉय करेंगे। वो 2 दिन मैं भी आपके साथ रहूंगा, हम सब साथ रहेंगे, और शायद वो 2 दिन हमारा नया साल जो एंजॉय करने का उत्सव होता है, उत्सव मनाने का है, और वो भी भगवान परमात्मा गॉड अल्लाह वाहेगुरु महाकाल बाबा साहब प्लीज कृपया करना 15-16 तारीख को हमें क्रूज में बैठा देना, ये ओमिक्रॉन को खत्म कर दो फटाफट। और सुनो, सभी लोग अपनी वैक्सीनेशन लगवाइए, खासकर जो क्रूज अचीवर बन गए उन्हें दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं हो तो आपको RT-PCR रिपोर्ट लेके आनी है, बिल्कुल भी तंग नहीं होना है, बाकी आपको फोन आ जाएंगे। और दूसरी बात, सेहत का ध्यान रखना है सभी लोगों को, और अभी इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट लेते रहने हैं, और इम्यूनिटी का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट आज कंपनी में निकल के आया वो SURE 30 है।
शोर 30 है, इम्यूनोडोक वायरल डॉक टाइम शोर 30, उसको जरूर प्लस करना है। आप उसको पढ़ेंगे, गूगल पे भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना वायरस हो, रियली ये इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं, फेफड़ों को इफेक्ट नहीं करते। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर एसलीपीएस के फाइटर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हुई, ऐसे प्रोडक्ट मैंने बना के आपको दिए, ऐसे प्रोडक्ट आपके पास है जिनसे दुनिया ठीक हो गई, तो फिर किसी की होगी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा हमारे एसलीपीएस परिवार के किसी भी परिवार में कोई अप्रिय घटना घटे। सभी लोग खुश रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए। और जाते जाते बाबा महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग जो भी सपने लेके आज 1 जनवरी 2022 को सोच रहे हैं, वो 31 दिसंबर 2022 को आपके पूरे हो चुके होंगे। और इसे पूरे करने में मैं तन मन धन दिन और रात आपके साथ हूँ, और मैं पूरी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के कैरियर के लिए। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सिर्फ आपको काम करना है। वो सब चिंता मुझे करनी है, वो सब मुझ पे टेंशन दे दो, टेंशन सारी मुझे दे दो, आप खुशी के साथ घर से निकलो। दोस्तों एक बात याद रखना, नेगेटिव माइंड कभी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। अगर बॉडी में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह है तो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होंगी, और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह है तो पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी होंगी। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, अचीवमेंट आती है, जाती है, टीम बनती है, टूटती है, कभी चेक बनते हैं, कभी कुछ नहीं। घबराना नहीं, डरना, आज में जीना है ना कल में जीना है ना परसों में जीना है, आज सुबह घर से निकलो, अपना बेस्ट परफॉर्म करो और ऊपर वाले पे छोड़ दो कि भगवान मैंने आज सच्ची आत्मा से काम किया है, अब रिजल्ट की चिंता तू कर, मैं क्यों करूं। रिजल्ट देगा भगवान, क्योंकि जब इंसान आत्मा से कोई काम करता है तो काम नहीं हो जाता दोस्तों, पूजा हो जाती है। जो आपने करके दिखाया, जो आपने अभी क्लोजिंग करके दिखाई, वो काम नहीं था दोस्तों, वो एक तरह की एक भक्ति थी आपकी कंपनी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, कि आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। नेगेटिव एनर्जी संकल्प एक ही लो बस, 2022 1 जनवरी को हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि अंधेरे के बाद उजाला ना हुआ हो, इतिहास गवाह है, हजारों एग्जाम्पल हैं। अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, घबराना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। जो हो रहा है आज अच्छा नहीं हो रहा, कल अच्छा आएगा, पर आएगा जरूर, पर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एक ही संकल्प लेना है कि अगर मैं अचीवमेंट वर्ल्ड में हूं, अगर मैं कैरियर कॉन्शियस हूं, अगर मैं जीवन बनाना चाहता हूं, सपने पूरा करना चाहता हूं, कामयाबी पाना चाहता हूं, तो जीवन में नेगेटिव होकर अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, कभी नेगेटिव नहीं होऊंगा। नेगेटिविटी का दी एंड आज हम 1 जनवरी 2022 को करेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। गलतियां अपलाइन से, डाउनलाइन से, कंपनी सबसे होती हैं यार, सब करेक्ट करते रहेंगे, प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत दिनों में आज आपके साथ लाइव होने का मौका मिला, और जाते जाते फिर एक बात बोलूंगा, गोवा, गोवा, गोवा का मतलब क्या है, गो आ, बार बार जा फिर बार बार आ, तो फिर गोवा आपको बुला रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोशिश करेंगे ट्रिप खत्म कर देंगे, 1 से 10 तारीख के बीच में अच्छा मौसम होगा। गो आ, 6000 अचीवर इस बार, 6000 पार। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी अचीवमेंट जो आई उन सबके लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद सभी कैपिंग अचीवर को, कोडली अचीवर को, सभी चेक अचीवर्स को, सभी को। और एसलीपीएस परिवार का झंडा ऐसे बुलंद रहे, ऐसे ये परिवार बना रहे, इस परिवार में ऐसी खुशियां रहें, पूरा परिवार स्वस्थ रहें, सबके घरों में दुख बीमारी सब खत्म हो जाए, सबके घरों में परमात्मा अच्छी कृपया बरसाए, लक्ष्मी माता अपना आशीर्वाद एसलीपीएस परिवार को दे, और सब लोग खुशी के साथ ये जीवन जिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, आई लव यू, थैंक यू।